सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए, वो भी मुफ्त। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग विश्वकर्मा पूजा का इस तरह से हार्दिक शुभकामनाएं का बैनर या पोस्टर कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का नॉलेज वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह का बैनर या पोस्टर बनाने के लिए गाइस एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा, जिसका नाम है पिक्सल लैब। अगर आपके मोबाइल फोन में पहले से पिक्सल लैब है तो आप लोग इस तरह से बैनर या पोस्टर बना सकते हैं, नहीं तो मैं उस ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोग जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर और वहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप करके बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग अपने होम मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसका जो पिक्सल ऐप का लोगो होता है यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो बना है दिख रहा होगा। लेकिन आप लोग जब फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ना दिख कर आप लोग को यहाँ पे इस तरह से डिफॉल्ट दिखता होगा। यहाँ पे आप लोग जैसे मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आप लोग को डिफॉल्ट देख सकते हैं कि बेसिक जो सेटिंग होता है पिक्सल ऐप का इस तरह से आप लोगों को दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि आप लोग किसी प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका रेशियो सेलेक्ट करना पड़ता है, मीन साइज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो साइज सेलेक्ट करने के लिए आप लोग को ऊपर में देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को नीचे में बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आना है इमेज साइज की ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्पेक्ट रेशियो मीन्स 1:1 का है, जो यहाँ पे इसको बोलते हैं जो स्क्वायर जो वर्ग होता है वो है रेशियो। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने से खुद का कस्टमाइज रेशियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे विड्थ और हाइट रख सकते हैं कि क्या आप लोग अपने हिसाब से विड्थ या हाइट अपने बैनर या पोस्टर का रखना चाहते हैं। लेकिन यूट्यूब के लिए अगर आप लोग थंबनेल बना रहे हैं या फेसबुक के लिए, तो उसके लिए आप लोग को प्री सेट यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर का है, यूट्यूब यहाँ पे चैनल बैनर है, उसके बाद यहाँ पे चैनल जो यूट्यूब का थंबनेल होता है वो है, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक कवर आर्ट मिलेगा, गूगल प्लस का मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप लोग आकर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। जो मैं इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना दिया हूँ, तो उस भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक आता है बैकग्राउंड, आप लोग अपने पोस्टर या बैनर का बैकग्राउंड किस तरह का रखना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप लोग को चौथे स्थान पर आना है। इस तरह से आप लोगों को कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड में, और कुछ यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को डाउनलोड किया हूँ आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसी बैकग्राउंड को लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए ये है बैकग्राउंड रहा, इसको क्लिक करता हूँ और ओके। आप लोग यहाँ से भी कुछ प्रीसेट जो रेशियो होता है वो दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर में आप लोग का साइज़ दिखाएगा कि 738x446 का ये आपका साइज़ है जो प्रोजेक्ट का। तो इस पर क्लिक करके मैं डन कर लेता हूँ, और डन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट बात आता है कि आप लोग को यहाँ पे PNG सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो PNG सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो ऊपर में आप लोग को यहाँ पे प्लस का जो आइकन दिखता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फोटो जो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैलरी का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप लोग यहाँ का रियाज करिए जो यहाँ पे दिया गया है थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। आप लोग जिससे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट का, इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। इंपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने फाइल में डायरेक्ट लेकर चले जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग वो इमेजेस को सिलेक्ट करना है जिस इमेजेस को आप लोग यहाँ पे PNG को लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट PNG लेता हूँ। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे PNG है, जो मैं इस PNG का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाकर इसको
डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पीएनजी लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मेरे पास पीएनजी है लगाने का, मैं सबको यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और फटाफट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिया हूँ पोल का डिज़ाइन जो यहाँ पे आता है टेम्पल का, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको सबसे पहले फोटो पर क्लिक कर देना है और इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जो यहाँ पे कलर इराइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कलर इराइज का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करना है। जो यहाँ पे आप लोग इनेबल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड जो व्हाइट था वो हट चुका है। आप लोग यहाँ से अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट कर चुका हूँ और इसको थोड़ा कम करता हूँ और यहाँ पे ये कॉर्नर को लिया कर रख देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट इमेज लेता हूँ। तो नेक्स्ट इमेज लेने के लिए आप लोग को यहाँ पे फिर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंपोर्ट पर आना है। इंपोर्ट पर आने के बाद गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक और पीएनजी को लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ पीएनजी मेरे पास कहाँ है। इस पीएनजी को आप लोग को लेना है। इस पीएनजी को लेने के बाद आप लोग को सबसे पहले इस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्रोपिंग कर देना है। इतना क्रोपिंग करने के बाद आपको सबसे पहले इसको करना है फिर एराइज कलर। तो यहाँ पे फिर आप लोग को इस फोटो पर क्लिक करके आना है, यहाँ पे एराइज कलर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बैकग्राउंड हट जाएगा। आप लोग इसको जाकर यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करता हूँ। इतना करने के बाद फिर आप लोग को डन कर देना है। उसके बाद कॉपी करना है। कॉपी यहाँ से कर लेंगे आप, पर यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है और इसको ले आकर यहाँ पे इस कॉर्नर के आपको आरी ले आकर रखना है और यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। और इतना करने के बाद सबसे पहले आप लोग को लॉक करना होगा। जितने भी यहाँ पे सब आप लोग पीएनजी लिए हैं इसको लॉक कर देना है, क्योंकि आप जैसे आप अगला कोई स्टेप काम करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो पर कोई आपका क्लिक नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आना है, इस लॉकर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग इसको लॉक कर देना है और यहाँ पे रहा। तो गाइस यहाँ पे पीएनजी को लॉक नहीं करता हूँ जो यहाँ पे है, देख सकते हैं। इसको सबसे पहले टेस्ट को मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि यहाँ पे ये कर रहा है परेशानी। और यहाँ पे इस तरह से आप लोग को कॉर्नर में जो यहाँ टेम्पल का जो यहाँ पे डिज़ाइन आप लोग को दिख रहा है पोल का, इसको आप लोग को यहाँ पे ले आकर अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। तो इसको करना है सबसे पहले आप लोग को टू फ्रंट। तो यहाँ पे करता हूँ टू फ्रंट और यहाँ पे इसको ले आकर रखता हूँ। तो इसको कर देना थोड़ा आपको साइज इस तरह से और यहाँ पे ले आकर रखना है इतना करने के बाद आप लोगों को फिर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप तो लगा नहीं सकते, लेकिन इसको करना है आप लोगों को रोटेट। तो रोटेट करने के लिए सबसे पहले आना है क्रोप पर। यहाँ पे क्रोप का इस तरह से आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फटाफट आप लोग को यहाँ पे कर लेना है एक कलर जो यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेट है, इस पर क्लिक करना है आप लोग को। चलिए मैं यहाँ पे हाईलाइटेड करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करके आप लोग को डन कर लेना है और यहाँ पे इसको ले आकर रख देना है इस तरह से और इसको सबको करना है लॉक। फटाफट मैं करता हूँ लॉक। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लॉक हो चुका है और यहाँ पे एक पीएनजी रहा जो फोटो, इसको करूँगा बाद में लॉक। तो यहाँ पे इसको ले आकर रखता हूँ और रखने के बाद गाइस सबसे पहले यहाँ पे आता है, अब आपको ऊपर में एक डिज़ाइन क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए फिर आपको आना है थर्ड वाले ऑप्शन पर और यहाँ पे इम्पोर्ट पर आना है। इम्पोर्ट पर आने के बाद मैं यहाँ से पीएनजी ले लेता हूँ। तो मैं पहले से यहाँ पे कुछ पीएनजी रखा हूँ, तो यहाँ पे फटाफट पीएनजी को लेता हूँ। तो गाइस ये पीएनजी रहा, आप लोग देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है और उसके बाद आप लोग को फिर एराइज कलर पर जाना है और इसको व्हाइट जो बैकग्राउंड है इसको हटा देना है। और हटाने के बाद आप लोग को यहाँ पे इस तरह से इसको लेकर एडजस्ट करना है और इसको थोड़ा और ऊपर इतना सा कर देना है। इतना हो जाने के बाद फिर आप लोग को फिर नीचे स्कैन करना है और करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आकर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मैच इतना कम्प्लीट हो चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आता है फिर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट पर आना है। इंपोर्ट पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे फिर आना है पीएनजी में। पीएनजी में आने के बाद यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा का मैं फोल्डर बनाया हूँ, सबका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को ये ले लेना है टेस्ट और इसको मैं यहाँ पे ले आकर इस तरह से रखता हूँ। और रखने के बाद इसको करता हूँ कलर को चेंज, ग्रीन करूँगा। यहाँ पे ग्रीन
आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ग्रीन कर लेना है और यहाँ पे इसको जाकर सजा देना है। फिर आप लोग को थर्ड पर क्लिक करके इंपोर्ट पर जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट पीएनजी को लेना है। यहाँ पे लेता हूँ कलर्स, इस कलर्स का क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं देख सकते हैं बैकग्राउंड को हटाऊँगा तो यहाँ पर आता हूँ एलाइज कलर पर क्लिक करके यहाँ पर वाइट जो बैकग्राउंड था इसको मैं हटा देता हूँ और इसको लेकर इस तरह से रख देता हूँ। यहाँ पे रख देना है और रखने के बाद गाइज अब आता है यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन कैसे लिखेंगे। उसके लिए गाइज मैं आकृति देव जो फॉन्ट है उसका यूज करूँगा। तो अगर आपके पास वो फॉन्ट है तो मैं उस फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप ले जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फॉन्ट को लिखने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर में, नहीं तो आप लोग उसके लिए यूनिक कोड का जो ऐप है उससे आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ फटाफट यहाँ पे प्रमुख फॉन्ट में और यहाँ पे कन्वर्टर में आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फटाफट लिखता हूँ। तो चलिए यहाँ पे करता हूँ हिंदी फॉन्ट और ओके और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके ले लेना है आकृति दे जो फॉन्ट है बहुत बेस्ट फॉन्ट है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विश्वकर्मा। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं वीडियो करता हूँ पॉज। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं विश्वकर्मा पूजा लिख दिया हूँ। लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह से एक कोड बनकर आएगा, इसको आप लोगों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोग को यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आना है पिक्सल लाइन में और यहाँ पे एक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट पर आना है और यहाँ पे आने के बाद एडिट पर क्लिक कर देना है और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से करना है आप लोग को पेस्ट ओके। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कोडिंग बन के आ जाएगा और आप लोग को यहाँ पे आना है फॉन्ट पर। इस टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ए बी के ऑप्शन पर आना है, इसका नाम है फॉन्ट, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ आकृति देव का जो फॉन्ट है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आकृति देव का ये फॉन्ट है, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये रहा इस तरह से मेरा फॉन्ट। और इसको मैं करता हूँ थोड़ा बोल्ड तो बी पर क्लिक करना है, नहीं तो आप लोग बोल्ड नहीं कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इतना ही ठीक है तो इसको करता हूँ वाइट और यहाँ पर लेकर रख देता हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट काम यहाँ पे हार्दिक बधाई। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट लिखता हूँ, फिर आप लोग को जाना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है हार्दिक। और फिर आप लोग को ये ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप लोग देख सकते हैं। अगर इसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है तो मैं इसका वीडियो पहले बना दिया हूँ और इसके बारे में आप लोग जाकर अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि कैसे इसको चलाते हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं देख सकते हैं हार्दिक लिख चुका हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट ओके। और यहाँ पे मैं इस कलर को चेंज करूँ तो कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे आना है कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देना है ग्रीन। ग्रीन देने के बाद आप लोग को यहाँ पर इस तरह से ले आकर रखना है। ये जो आप लोग को टेस्ट दिख रहा है इसको थोड़ा और ऊपर करना है। इतना करना है गाइस। करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे शुभकामनाएं लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर प्रमुख कन्वर्टर में, यहाँ पे लिखता हूँ शुभकामनाएं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे लिखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है बैनर। इसको करता हूँ लॉक। अगर इसका पीएलपी आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूँगा, आप लोग जाकर पीएलपी को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा इस तरह से बैनर कम्प्लीट बन चुका है। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो आप लोग कमेंट करना है, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए के शांति सैनवट नमस्ते।